फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग महज कुछ महीनों में अपने तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन तब से लेकर अब तक ये युद्ध चल ही रहा है। इस युद्ध की शुरुआत से ही ऐसा हमेशा से माना गया कि पूरा पश्चिमी खेमा यूक्रेन के साथ खड़ा है, चाहे वह सैन्य और आर्थिक मदद हो या फिर नाटो और ईयू में सदस्यता का सवाल हो। यूक्रेन को हर मोर्चे पर मदद मिली है, लेकिन बीतते हुए समय के साथ यूक्रेन पर कई देशों का भरोसा कम हुआ और उसके हथियारों और मदद की कई फाइलें दफ्तरों में विचार विमर्श में अटक गई हैं। वहीं रूस, जो कि यूक्रेन को खत्म करने पर तुला है, वो अपने हमलों से यूक्रेन के कई शहर पर कब्जा जमा चुका है। अवदिविका शहर पर कब्जा जमाने के बाद रूस का हमला और जीत का इरादा लगातार मजबूत हुआ है। इसी कड़ी में अब रूसी सेना खार्किव इलाके पर कब्जा करने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। फरवरी 2022 के बाद ये पहली बार है जब रूस खार्किव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने खुद ये दावा किया कि उनकी सेना के उत्तर पूर्वी यूक्रेन के 5 गांवों पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन की मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सैनिकों ने बोरिसविका, ओहिरसेव, पिलना और स्ट्राइलेचा गांव पर कब्जा कर लिया है। साथ ही रूस ने दावा किया कि उसने प्लेटनेविका गांव पर भी कब्जा कर लिया है। ये सभी गांव यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में है, लेकिन फिलहाल यूक्रेनी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि रूस ने गांव पर कब्जा कर लिया है जो यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र और रूस की सीमा पर विवादित ग्रे जोन में स्थित है। बता दें कि रूस की तरफ से खार्किव में लगातार हमले किए जा रहे हैं। रूस के इन दावों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि स्ट्राइलेचा और पेतनेविका के साथ साथ क्रॉन्से, मोरोक्वेट्स, ओलिनकोव, लुक्यांसी और हातिश्चे में लड़ाई जारी है। हमारे सैनिक यूक्रेनी क्षेत्र की रक्षा करते हुए दूसरे दिन भी वहां जवाबी हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्र बेलगोरोड, कुर्स्क और डोनेस्क में ड्रोन हमला किया। डोनेस्क में रूस की ओर से नियुक्त प्रमुख डेनिस पुशेलिन ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट कर कहा कि डोनेस्क शहर में एक रेस्तरां पर यूक्रेनी मिसाइल के हमले में 3 नागरिक मारे गए और 9 घायल हो गए। हालांकि रूस ने यूक्रेन के रॉकेट और ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई सुरक्षा प्रणाली ने 21 रॉकेट और 16 ड्रोन को नष्ट कर दिया है जो रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क और वोल्गोग्राद प्रांत को निशाना बनाकर दागे गए थे। जिस तरह पुतिन की सेना जीत के इरादे से यूक्रेनी क्षेत्रों पर रूसी झंडे गाड़ रही है, उससे ये बात साफ है कि जल्द ही 2 साल से चली आ रही इस जंग में कोई निर्णायक मोड़ आ सकता है। लेकिन इस जंग के कई ऐसे पन्ने हैं जो अभी खुलने बाकी हैं, क्योंकि अब यूक्रेनी सेना रूसी डिफेंस को तोड़ पाने में सफल नहीं हो पा रही है। ऐसे में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक बार धमकी दी थी कि अगर रूसी सेना खार्किव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ी तो फ्रांस अपने सैनिक भेजेगा। ऐसे में पुतिन को किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा।